भारत में कोविड 19 की दो वैक्सीन EUA यानी एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिल चुके है और 16 जनवरी नु देश में कोरोना वैक्सीन लाने की शुरुआत की जा रही है। इन विच भारत बायोटेक दी कोवैक्सिन अते ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दी कोविशील्ड वैक्सीन है जिसनु भारत दे सीरम इंस्टीट्यूट वल्लों बनाया जाएगा। अजे विच हुण इन्हां कंपनियां अते सरकार दोवां विचाले इन्हां वैक्सीन नू लोकां तक पहुंचाउण दी चुनौती है। इस दे लई सरकार वल्लों पूरे देश विच दो चरणां विच ड्राई रन कीता जा चुक्या अते प्रधानमंत्री ने सूबियां दे मुख्यमंत्रियां नाल बैठक भी कीती। वैक्सीनेशन दी शुरुआत होण तों पहलां हर किसे दे ज़हन विच कई सवाल ने जिन्हां दे जवाब असीं तुहानूं दसण जा रहे हां। सब तो वड्डा सवाल, किस नूं लगाई जावेगी वैक्सीन? सब तो पहलां 1 करोड़ सेहत कर्मियां अते 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्करां नूं वैक्सीन लगाई जावेगी। इस तों बाद वारी आएगी 50 साल तो वध उम्र वाले लोकां अते 50 साल तो घट पर जिन्हां नूं पहलां तो कोई डायबिटीज, कैंसर, हाइपरटेंशन या फेफड़िया की गंभीर बीमारी है। किवें लगाई जाएगी वैक्सीन? योग लाभपात्रियों नूं उनां दे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ते सारी जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी। SMS दे जरिए लाभपात्रियों नूं टीका लाए जाण दी थां अते सेहत कार्यक्रम बारे सूचित कीता जाएगा। बाद विच आम लोकां लई कोविन ऐप ते खुद नूं रजिस्टर करन दी सहूलत दित्ती जाएगी। की रजिस्ट्रेशन करवाउणा जरूरी होएगा? वैक्सीनेशन लई रजिस्ट्रेशन लाजमी होएगा। वैक्सीनेशन दे लई केड़े डॉक्यूमेंट लोड़ींदे होणगे? ड्राइविंग लाइसेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, किरत मंत्रालय वालों जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा गारंटी कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, सांसद या विधायक वालों जारी आधिकारिक पहचान पत्र, पैन कार्ड, बैंक या पोस्ट ऑफिस दी पासबुक, पासपोर्ट, पेंशन डॉक्यूमेंट, केंद्रीय सूबा सरकार या पब्लिक लिमिटेड कंपनियां वालों जारी सेवा पहचान पत्र अते वोटर आईडी कार्ड नू रजिस्ट्रेशन दे लई वरत्या जा सकदा है। की वैक्सीन लगवाउणा लाजमी होएगा? वैक्सीन लगवाउणा लाजमी नहीं होएगा, पर वैक्सीन दे दोवें शेड्यूल पूरे करन दी हिदायत दित्ती जांदी है तां जो खुद नू अते अपणियां नू सुरक्षित रख्या जा सके। लाभपात्रियों नू वैक्सीनेशन दी तारीख बारे जानकारी किवें दित्ती जावेगी? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन तों बाद लाभपात्रियों नू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ते SMS आएगा। SMS विच तारीख, थां अते समय दी जानकारी होवेगी। वैक्सीन दी डोज लगण तों बाद लाभपात्री नू SMS भेजा जाएगा। सारियां डोज लग जाण दे बाद QR कोड सर्टिफिकेट जारी कीता जाएगा। वैक्सीनेशन दे लई सरकारी अते प्राइवेट हस्पतालां दे विच इंतजाम कीते गए ने जिथे 3 चरणां विच वैक्सीनेशन दी प्रक्रिया पूरी कीती जाएगी। हर सेंटर ते 3 कमरे, वेटिंग रूम, वैक्सीनेशन रूम अते ऑब्जर्वेशन रूम बनाए जाणगे। पहला कमरा लाभपात्रियों दे इंतजार करन लई होएगा जिथे उन्हां दी सारी जानकारी दी जांच अते सेहत संबंधी परेशानी दी जांच कीती जावेगी। दूजे कमरे विच टीका लगाया जाएगा अते तीजे कमरे विच टीका लगण तों बाद लाभपात्री नूं 1/2 घंटे तक रख्या जावेगा तां जो टीके नाल होण वाले किसी भी रिएक्शन दी जांच कीती जा सके। सरकार वल्लों अगस्त महीने तक वैक्सीनेशन दे पहले चरण दे तहत 30 करोड़ लोकां नूं वैक्सीन लगाउण दा टीचा मिथ्या गया है अते दावा इह वी कीता गया है कि भारत बायोटेक दी कोवैक्सीन दी कीमत सरकारी हस्पतालां विच 200 रुपए अते निजी हस्पतालां विच 1000 रुपए तक हो सकदी है। ब्यूरो रिपोर्ट, PTC न्यूज़।